भारत द्वारा पाकिस्तानी आतंकी ठिकानों पर की गई सैन्य कार्रवाई पर भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने फूलों की होली खेलते हुए पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए और भारत सरकार धन्यवाद दिया। महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने भाजपा की पूर्व महापौर डॉ. सत्या पांडे के नेतृत्व में उनके आवास पर दीप उत्सव किया और नाचते गाते हुए फूलों की होली खेली और पाकिस्तान विरोधी नारे लगाए। महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं का कहना था कि केंद्र की मोदी सरकार ने पाकिस्तानी आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब दिया है, इसलिए 2019 में एक बार फिर से मोदी सरकार बनेगी और भारत का नाम विश्व में एक बार फिर से शक्तिशाली देश के रूप में जाना और पहचाना जाएगा। इस मौके पर गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पूर्व महापौर डॉ. सत्या पांडे ने कहा, भारतीय सेना ने पाकिस्तान के घर में घुस के आतंकवादियों का जो उन्होंने खात्मा किया है और खात्मा की शुरुआत है, हमें लगता है कि अब पाकिस्तान भी ख़त्म होने के कगार पे है। हम बहनें आज यहाँ पे मिलके दीप यज्ञ किए हैं, ईश्वर से हम लोगों ने प्रार्थना किया है कि जो हमारे सैनिक हैं उन्हें शक्ति दे, भारत सरकार पुनः मोदी जी के नेतृत्व में बने और उनको इतना शक्ति मिले कि इस भारत माँ को आगे बढ़ाने में पूरी तरह वो उसमें कामयाबी हासिल हो। और साथ ही हम उन शहीदों को भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की हैं जो आज इन आतंकवादियों के उसे वो शहीद हुए हैं। हम बहनें आज जश्न मना रहे हैं कि हम लोग पुनः 19 में बहुमत की सरकार भाजपा की आएगी और मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, और इसीलिए हम लोगों ने आज पूजा अर्चन के बाद जश्न का माहौल है, फूलों की होली हो रही है हम लोगों की।